आज देश भर में गणेश चतुर्थी का त्यौहार मनाया जा रहा है। आज से गणेश उत्सव शुरू होगा और 19 सितंबर को अनंत चतुर्दशी पर गणेश विसर्जन किया जाएगा। गणेश चतुर्थी के दिन भगवान गणेश की विधि विधान से पूजा की जाती है। मिलक रामपुर से आज मीडिया ग्रुप के संवाददाता कृपाल सिंह ने बताया कि आज मोहल्ला असुदलापुर हाल निवासी दीपक पाटिल के आवास पर गणेश चतुर्थी बड़े ही हर्षोल्लास से मनाई गई, जिसकी पूर्ण रूप से जानकारी देते हुए पंडित शिवचरण शर्मा ने बताया कि ये वार्षिक चतुर्दशी श्री गणेश जी का वार्षिक उत्सव होता है। ये उत्सव हर साल मनाया जाता है। ये 14वां वार्षिक उत्सव है। दीपक जी मराठा जी हैं, ये अपने स्तर से अपने परिवार के लिए ही करते हैं, अन्यथा इसमें ना किसी का सहयोग लिया जाता है ना ही किसी व्यक्ति को बुलावा दिया जाता है। क्यों, इस समय कोरोना वायरस चल रहा है, इसको देखते हुए इसके नियम का पालन करते हुए हमें ये भी देखना पड़ेगा कि ज़्यादा भीड़ भाड़ एकत्र ना हो। कोई व्यक्ति घर का हो वो बगैर मास्क के यहाँ ना बैठे, 1 मीटर की दूरी से कम बैठना चाहिए। ये कार्यक्रम अच्छी तरीके से भली भांत मनाया जाएगा। 9 दिन का प्रोग्राम है, ये 9 दिन के बाद मूर्ति का विसर्जन होगा। ये दीपक पाटिल निवास स्थान इस समय तो मिलक में ही है हमारे, अब्दुल्लापुर मोहल्ला ही लगता है, परंतु वैसे ये मराठा के रहने वाले हैं। महाराष्ट्र में मराठा जाति अधिक है। ये आपके किस नगर में, किस शहर में है? ये नगर हमारा मिलक पड़ता है, जिला रामपुर पड़ता है, उत्तर प्रदेश में ही है। मोहल्ला इसका असदुल्लापुर मोहल्ला बोलते हैं। हमारा श्री शिवचरण शर्मा प्राचीन शिव मंदिर असदुल्लापुर में पड़ता है, यहीं के निवासी हैं। तो गणेश चतुर्थी का आपको क्या कहना चाहेंगे? ये जो व्यक्ति अपने स्तर से कर रहा है उसके परिवार के लिए, फलता फूलता परिवार रहे, सुखी परिवार रहे, धन की वृद्धि श्री गणेश जी करते रहें, आवागमन हमारे श्री गणेश जी का ऐसे ही बना रहे, परिवार हमारा कुशल रहे, कुशलतापूर्वक सभी हमारे जितने भक्तगण हैं यहाँ पे सभी अपने हंसी खुशी से जीवन यापन करें और कोरोना से बचाव मिले। बचाव के लिए श्री गणेश जी का आगमन बहुत ज़रूरी है। गणेश जी की कृपा से ही इससे हम दूर हो सकते हैं, हाँ, मुक्ति इसी से मिलेगी। हर साल मनाते हैं। आप कोरोना को देखते हुए अपने घर पे ही मना रहे हैं, शांतिपूर्वक अपने परिवार को परिवार के साथ में। बस हाँ, अपने घर पे ही। हाँ, पिछले साल भी हमने नहीं करा और अब की साल भी नहीं करा, घर पे ही कर रहे हैं। आप क्या बोलना चाहेंगे?